Hey guys, this is Manraj. I'm back with another video. Welcome back to my channel, Manraj Fitness. So guys, आपको पता है हमारी होम वर्कआउट सीरीज खत्म हो चुकी है जो हमने बैक से की थी. अब मैं न्यू होम वर्कआउट सीरीज लेके आया हूँ जिसमें हम करने वाले हैं रेसिस्टेंस बैंड से वर्कआउट. बहुत से लोगों के पास रेसिस्टेंस बैंड तो है बट उनको पता नहीं है कि उससे वर्कआउट फुल बॉडी कर सकते हैं. लोगों के दिमाग बस यही है कि रेसिस्टेंस बैंड सिर्फ स्ट्रेचिंग के लिए होता है, सिर्फ पंप करने के लिए होता है. बट गाइज, मैं आपको बता दूँ, रेसिस्टेंस बैंड से भी बहुत अच्छा इंटेंस वर्कआउट कर सकते हैं, अपने मसल को ट्रेन कर सकते हैं. तो करते हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट. अरे रे, थोड़ा कैच खराब है मेरा. तो गाइस, पहले आप सबको पता है क्या करना है. पहले अपनी बॉडी को अच्छे से वार्म करना है और अच्छे से पुशअप्स लगाने हैं. हम वार्मअप के लिए यहाँ पे पुशअप्स के 3 सेट्स ले रहे हैं. तो पुशअप के आपको लेने हैं 3 सेट्स और 10 to 15 रिपीटेशन जितने भी आपसे हो. अगर आपसे पुशअप्स अच्छे से नहीं हो पाते तो आपको नी पुशअप्स करना, आपको पता ही है, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है. सो गाइस, अपना वर्कआउट करते हैं स्टार्ट. हम पहले करेंगे बाइसेप्स. तो बाइसेप्स के लिए हम करने वाले हैं बाइसेप्स कर्ल. पोजिशन आपकी ठीक हो, मेक श्योर, बस स्लो स्लो परफॉर्म करना है. ऊपर लगे मसल को अच्छे से स्क्वीज करना है, नीचे लगे पूरा स्ट्रेच. अच्छा, कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, होगी शायद कि उनका रेसिस्टेंस बैंड ढीला होगा या बड़ा होगा तो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं आएगा मसल पे, ज़्यादा इंटेंस नहीं होगा. तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपके इलास्टिक को ना थोड़ा ज़्यादा पकड़े जिससे ये लेंथ छोटी हो जाएगी और आपका बैंड और ज़्यादा स्ट्रेच होगा और ज़्यादा इंटेंस करेगा आपकी मसल को और ज़्यादा लोड पड़ेगा आपकी मसल पे. इसके हम करेंगे 3 सेट्स और 10 to 15 रिपीटेशंस करेंगे. और हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है चेस्ट. चेस्ट के लिए हम करने वाले हैं जैसे जिम में हम चेस्ट प्रेस करते हैं और बेंच प्रेस करते हो, अब बिल्कुल वैसे करने वाले हैं हम बैंड से. किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे अपने बैंड को फंसा सकते हैं. अगर आप घर में कर रहे हैं तो इसमें कुछ बांध के अपने गेट से लॉक करके भी फंसा सकते हैं या किसी को पकड़ा सकते हैं, जैसा वो कंफर्टेबल हो. आपको क्या करना है, आपको अपने रोप को इतना खींचना है जितना आपका मसल पे लोड आने लग जाए. फिर आपको क्या करना है, प्रेस 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 एंड प्रेस, अपनी मसल को अच्छे से स्क्वीज करना है, आगे लाके नीचे लाके धीरे धीरे स्ट्रेच करना है. जैसे आप लेट के बेंच प्रेस मारते हो रॉड से, बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करना है. गाइस, इसके भी हम 3 सेट्स करेंगे और 10 to 15 रिपीटेशंस करेंगे. बैक बैक के लिए हम क्या करेंगे, जैसे जिम में हम सेटिंग रोइंग करते हैं बैठ के मशीन से, हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे. अपने बैंड को खींचना है, ये आपकी पोजीशन होगी जितना आप चेयर पे बैठते हैं लाइक उतनी या आपकी मशीन पे. उसके बाद आपको धीरे धीरे परफॉर्म करना है इस वर्कआउट को. गाइस सीरियसली, आपकी बैक इसमें इतनी अच्छी तरह से हिट होगी ना, मज़ा आ जाएगा आपको, फील ही नहीं होगा कि मशीन पे नहीं कर रहे हो आप. और आपको जितना ज़्यादा स्ट्रेस लाना हो अपने बैक में, जितना ज़्यादा इंटेंस करना हो मसल को, उतना अपने बैंड को खींच ले. इतना भी मत खींच लेना कि टूट के मुंह पे लग जाए. तो इसके हम 3 सेट्स करेंगे और 10 to 15 रिपीटेशंस करेंगे. और अब हम करेंगे ट्राइसेप्स. तो ट्राइसेप्स के लिए गाइज, अगर आपके पास चेयर है तो आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं.
मेरा रिसेंट बैंड ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं सिंगल सिंगल करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे हम वन आर्म डंबल करते हैं बिल्कुल वैसे कर रहे हैं हमें, पोजिशन देख लो आप। इसके भी आपको 3 सेट्स करने हैं और 10 to 15 रेपिटेशंस। और अब बारी आती है हमारे शोल्डर की, तो शोल्डर में भी वही हम सिंगल सिंगल परफॉर्म करेंगे जैसे हम डंबल से करते हैं, उसी पोजीशन में हम शोल्डर प्रेस करेंगे। 1 इसके लिए आपको 3 सेट्स करने हैं और 10 to 15 रेपिटेशंस। अब बारी आती है हमारी लेग की, तो लेग में गाइस इसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेग में हम करेंगे जंपिंग स्क्वाट, जिससे हमारी मसल होगी ज़्यादा इंटेंस। एक नॉर्मल स्क्वाट्स करते हैं हम, उसमें हमारी मसल इतनी इंटेंस नहीं होती, क्योंकि जब हम जंप करते हैं तो सारा लोड हमारे क्वाड्स पे आता है अच्छी तरीके से। तो गाइस इस वर्कआउट को परफॉर्म करो, आप घर में भी अपना मसल मास जितना अपने कैरी किया है, अपने जिम से बनाया है, उतना मेंटेन कर सकते हैं अच्छे से और लूज़ नहीं होने देंगे आप अगर ये वर्कआउट परफॉर्म करेंगे तो। और आप थोड़ा बिगिनर हैं तो अच्छा मसल मास गेन भी कर सकते हैं। जिनको हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग करनी है, जो फैट लॉस कर रहे हैं, जो कैलोरी डेफिसिट पे है, उनको क्या करना है, उनको इस पूरे वर्कआउट को सर्किट में परफॉर्म करना है, वन बाई वन बिना रेस्ट के एक साथ सारा परफॉर्म करना है। जितने रेपिटेशन जितने सेट्स बताएं सबके उतने ही लेने हैं वैसे ही, और इसके 5 सर्किट्स करने हैं, 5 बार करना है आपको ये पूरा सीरियसली। बूम, बहुत अच्छा हाई इंटेंसिव वर्कआउट होगा आपका इससे। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइस अब हमारी पूरी सीरीज आने वाली है, जिनको प्रॉपर पूरा मसल ट्रेन करना है, बाइसेप ट्राइसेप शोल्डर लेग चेस्ट बैक पूरी पूरी 5 एक्सरसाइजेस रेसिस्टेंस बैंड से जाननी है। तो गाइस हमारी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सीरीज हमारी आने वाली है, तो वो मैं बहुत जल्दी अपलोड करना चालू कर दूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, फिट फॉर लाइफ।